हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं और ये है आपका लेक्चर नंबर 6। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। यह आपके DDU यूनिवर्सिटी 2018, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। अगर आपका जनसंख्या संगठन पूछे या जनसंख्या संरचना पूछे तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपका सेम है। पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो उत्तर देखते हैं हम लोग। आयु संरचना एज स्ट्रक्चर जन्मतिथि एवं जनगणना के बीच के अंतराल की आयु कहा जाता है। आयु संरचना जन्मतिथि एवं जनगणना के बीच का जो समय होता है आयु कहा जाता है, अंतराल की आयु को कहा जाता है क्या? आयु संरचना। आयु संरचना को आयु वितरण के नाम से भी अभिहित करते हैं। किसी भी जनसंख्या की आयु संरचना विभिन्न जनांकीय तथ्यों के साथ ही अनेक सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। जो आयु संरचना होती है वो जनसंख्या की आयु संरचना विभिन्न जनांकीय तथ्यों के साथ अनेक सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र या देश की आयु संरचना उसकी जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती है। अर्थात इस रूप में वह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को प्रभावित करती है। यह मृत्यु दर को इस रूप में प्रभावित करती है कि प्रत्येक आयु वर्ग की मरणता अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे आयु संरचना जो है वो जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण, मतलब उस जो जब आयु संरचना आपकी जनगणना उस समय हुई थी तो उस समय जो जन्म दर थी, मृत्यु दर थी और स्थानांतरण था, मतलब लोग वहाँ से कहीं और पलायन कर गए, तो वो जो समय पीरियड होता है तो उसमें आयु संरचना को रखा जाता है। यह मृत्यु दर को इस रूप में प्रभावित करती है कि प्रत्येक आयु वर्ग की मरणता अलग अलग होती है। देखा जाए तो एक समुदाय के सामाजिक संबंधों पर आयु संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के नियोजन, विशेषकर सामुदायिक संस्थाओं की नियोजन सेवाएं, मानव शक्ति पूर्ति आदि पर आयु संगठन का प्रभाव पड़ता है। स्कूल जनसंख्या विभव, मानव शक्ति के विभव, भविष्य की जनसंख्या निर्धारण और श्रम शक्ति के विभाजन के आवश्यक प्रक्षेपण में आयु एक महत्वपूर्ण घटक है। जन्मदर, मृत्यु दर व प्रवास के अतिरिक्त अकाल, युद्ध, संक्रामक रोग एवं जनसंख्या नीति आपका आदि कारकों से आयु संरचना प्रभावित होती है। कुछ जनसंख्या नीतियां भी दूरगामी प्रभाव डालती हैं। मतलब आयु संरचना जो है उसको अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास के अतिरिक्त अकाल पड़ गया या युद्ध, संक्रामक, मतलब युद्ध का काल हो गया उस समय, या कोई संक्रामक रोग हो गया। तो ये जैसे आप आजकल देख रहे हैं कोरोना की वजह से हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है, तो इसमें मृत्यु दर भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से आयु संरचना प्रभावित होती है। कुछ जनसंख्या नीतियां भी दूरगामी प्रभाव डालती हैं। उदाहरणार्थ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा गर्भपात को कानूनी मान्यता देने के परिणाम स्वरूप 0 से 4 आयु वर्ग की फैलती हुई जनसंख्या सिकुड़ने लगी। चलिए आगे देखते हैं। आयु वर्ग की जनसंख्या को 15 से 59 आयु वर्ग के मध्य की जनसंख्या से विभाजित कर और 100 या 1000 से गुणा करके प्राप्त होती है। यहाँ पे देखेंगे किसी भी आयु वर्ग की जनसंख्या को निकालने के लिए आपको 15 से 59 आयु वर्ग के मध्य की जनसंख्या से विभाजित करना पड़ता और उसके बाद 1000 से गुणा करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर बाल किसी बच्चे के
आय, बच्चों के आय वर्ग की जनसंख्या निकालनी है तो क्या करेंगे हम, बाल बटे प्रौढ़ या 0 से 4 वर्ष। यहाँ पे बच्चे कितना माना गया, 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों को बाल माना गया है, तो 0 से 4 वर्ष बटे आपका 1569, यानी कि प्रौढ़ नीचे प्रौढ़ रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम 100 से या 1000 से गुणा करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हमें वृद्ध की निर्भरता अनुपात निकालना है तो यहाँ पे हम 60 और अधिक आयु वर्ग के लोगों को 1559 आयु वर्ग के प्रौढ़ों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आपका वृद्ध बटा प्रौढ़, यहाँ पे 60 प्लस लिखा है ऊपर, 60 प्लस यानी कि वृद्ध में आते हैं, यहाँ पे जितनी आयु रहेगी उतनी हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको प्रौढ़ नीचे बटे में प्रौढ़ लिखना है, 1559 गुणे 100 या 1000। अब यहाँ पे जब हम इसके पहले हम बाल और वृद्ध की देखे हैं, आयु वृद्ध निर्भरता देखे हैं, हम लोग वृद्ध निर्भरता का जो अनुपात या बाल निर्भरता का जो अनुपात था देखे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुल निर्भरता अनुपात, यानी कि बाल का भी और प्रौढ़ का भी। तो दोनों यहाँ पे बाल और वृद्ध का देखना है, तो आपको बाल प्लस वृद्ध, मतलब बाल यहाँ पे आपका कुछ गलत दिया हुआ है, 14 नहीं रहेगा, 0 4 यानी कि 4 रहेगा, केवल 1 काट देंगे, 4 प्लस 60 प्लस बटा 1559 गुणे 100 या 1000। तो इस तरह से आपका बाल और वृद्ध का निर्भरता अनुपात निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। आयु संरचना को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं, जननता, मृत्यु और गतिशीलता। मतलब कितने बालक जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मृत्यु हो रहे हैं, किनकी मृत्यु हो रही है, ये सारी चीज़ें आयु संरचना को प्रभावित करते हैं। ये और उनकी क्या गतिशीलता है, किस रेशियो में वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये तीनों 4 स्वयमेव स्वतंत्र नहीं है, अभी तो किसी एक के परिवर्तन दूसरे परिवर्तन का कारण बनता है। इन तीनों कारकों का विवरण निम्नलिखित है, चलिए देखते हैं नीचे। जनता, जनसंख्या की उत्पादकता दर विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या की न्यूनाधिकता को निश्चित करती है। विश्व के कई देशों में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का आधिक्य है, जबकि अल्प जीवन प्रत्याशा के फल स्वरूप उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या का अभाव रहता है। विपरीत उन देशों में जहां जन्म दर अधिक नहीं है और जीवन प्रत्याशा अपेक्षाकृत लंबी है, वहां निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या अल्पांश ही रहती है, जबकि क्रमशः उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या का बड़ा भाग दृष्टिगत होता है। जनसंख्या की उत्पादकता जो होती है विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या की न्यूनाधिकता को निश्चित करती है, मतलब जो वहाँ पे उच्च जन्म दर है या उच्च निम्न आपकी आयु वर्ग में जनसंख्या का जो अधिक्य होता है वो आपकी अल्प जीवन प्रत्याशा के फलस्वरूप होता है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, यानी कि मृत्यु। आयु संरचना पर मृत्यु दर का प्रभाव विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु वैभिन्न के कारण पड़ता है। यदि निम्न और प्रौढ़ आयु वर्गों में मृत्यु दर कम है तो विकसित देशों की भांति क्रमशः उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न और प्रौढ़ आयु वर्गों में मृत्यु दर अगर कम होती है तो विकसित देशों की भांति क्रमशः उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरी ओर उच्च और क्रमशः ह्रासमान मृत्यु पर विकसित देशों में निम्न आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या के रहने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि निम्न आयु वर्ग में मृत्यु दर घट रही है तथा प्रौढ़ वर्ग में विद्यमान है। तीसरा देखते हैं हम गतिशीलता। जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव आयु संरचना पर क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पड़ता है। मतलब जनसंख्या जो बढ़ती है, जिस मतलब गतिशीलता, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें
क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है सामाजिक और आर्थिक। अगर वहाँ की आर्थिक, उस एरिया की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह से हैं, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, अगर वहाँ उस सब चीज़ों के लिए सब अनुकूल है तो वहाँ की जनसंख्या गतिशील होगी यानी कि बढ़ेगी। प्रायः 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग ही अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक गतिशील रहते हैं। मतलब 15 से लेके 45 वर्ग के लोग जिनकी जो कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो चूँकि यंग होते हैं तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो अधिक गतिशील रहते हैं। इस प्रकार अप्रवास क्षेत्रों में युवाओं का तथा उत्प्रवास क्षेत्रों में बाल एवं वृद्धजनों की अधिकता रहती है। इस प्रकार कह रहा है, इस प्रकार अप्रवास क्षेत्रों में जहाँ पे अप्रवास क्षेत्र है वहाँ पे युवा अधिक रहते हैं, और जहाँ पे उत्प्रवास क्षेत्र है वहाँ पे बाल एवं वृद्धजनों की अधिकता अधिक होती है। चलिए हम लोग देखते हैं लिंगानुपात। जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। मतलब एक निश्चित अनुपात में व्यक्त करना कि स्त्री पुरुष की जो संख्या है वो क्या कहलाता है, लिंगानुपात। मतलब प्रति 1000 व्यक्ति पे कितने महिलाएं आ रही हैं, मतलब 1000 पुरुषों पे कितने महिलाओं की संख्या है, वो जो संख्या आप निकालते हैं वो होता है लिंगानुपात। जनसंख्या विश्लेषण में लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण जननांक की विशेषता है। लिंगानुपात में क्षेत्र एवं कालगत विभिन्नता, मानव जीवन के विभिन्न आयु वर्गों में दोनों लिंगों के मृत्युदर तथा स्थानांतरण के कारण उत्पन्न असंतुलन को से प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि लिंगानुपात में क्षेत्र एवं कालगत, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में और एक कालगत मतलब समय में जो लिंग का अनुपात है वो मृत्यु से और स्थानांतरण के कारण प्रभावित होता है, मतलब असंतुलित होता है। अगर किसी भी लिंग की मृत्यु हो जाती है, जैसे अगर स्त्रियों की ज़्यादा मृत्यु हो गई या पुरुषों की ज़्यादा मृत्यु हो गई, या स्त्री लोग कहीं और जगह जाके स्थानांतरित किसी अदर जगह पर जाके बस जाते हैं, या पुरुष कहीं अदर जगह किसी भी पर्पस से बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो लिंगानुपात का असंतुलन पैदा हो जाता है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथ्यों को प्रभावित करने वाले बहुत से जननांकी तथ्य हैं, जैसे मतलब बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो जननांकी को प्रभावित करते हैं, जैसे वृद्धि, मतलब जनसंख्या की अधिक वृद्धि हो जाती है तब भी जननांकी प्रभावित होती है। वैवाहिक संरचना, विवाह की जो आयु निश्चित की गई उसमें अगर बदलाव होता है तब भी जनसंख्या प्रभावित होती है। इस तरह इस अनुपात द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है, मतलब इन सारे अनुपात से जननांकी अधिक प्रभावित होती है। परिणामतः सामाजिक आर्थिक भूदृश्य के गत्यात्मक प्रतिरूप लिंगानुपात में हुए परिवर्तन से किसी न किसी स्तर पर संबंधित होते हैं। जनसंख्या की यदि सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम है तो लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है। मतलब आप देखेंगे जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है और सोशल वैल्यू होती है औरतों की, वहाँ पे जो लिंगानुपात होता है वहाँ पे महिलाओं का लिंगानुपात अधिक होता है। जैसे आप देखेंगे जहाँ ये चीज़ें होती हैं, शिक्षा की बात यहाँ पे होती है, जहाँ पे एजुकेशन एटमॉस्फियर अच्छा होता है वहाँ पे लिंगानुपात महिलाओं का ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे जो जहाँ पे आपको मिलेगा पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की कम, वहाँ कहीं ना कहीं पुरुषों का वर्चस्व होता है और महिलाओं का आर्थिक उत्पीड़न या शोषण ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं अज्ञानता होती है जहाँ पे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे आज भी कहीं ना कहीं ये समाज में विद्यमान है कि पुरुष एक पुरुष या महिला के लिए अगर वो वैवाहिक है तो उनके लिए एक लड़के का होना जरूरी होता है। तो इस तरह के जो माहौल होते हैं, इस तरह की जो समाज होते हैं जहाँ जहाँ पे इस तरह की वैल्यू दी जाती है ऐसे बातों को, तो वहाँ पे लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ पे आप देखेंगे शिक्षा है वहाँ पे लड़कियाँ या लड़के में भेदभाव नहीं होता है, तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का माहौल होता है।
यदि लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है तो यह दर्शाता कि समाज लिंग समानता से कोसों दूर है, और अगर लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर लिंगानुपात में पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो ये बताता है कि यहाँ पे जो लिंग की समानता है, मतलब लड़की लड़के में जो भेद करना है, ये सब बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ वहां पे पुरुषों की संख्या ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे लड़की लड़कों में भेद किया जाता है। मतलब लिंगानुपात की समानता से वो समाज कोसों दूर है। जनांकी पक्षों की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट अर्थ और जनसंख्या आंकड़ों के संग्रहण काल में ही अस्पष्ट पहचान के कारण लिंगानुपात संबंधी आंकड़े यथार्थ एवं तथ्य परक होते हैं, तथा दोनों लिंगों के परस्पर समानुपातिक संबंधों के आधार पर इसका क्षेत्रीय व कालिक विश्लेषण भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। भारत में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। मतलब हमारे भारत में प्रति जो लिंगानुपात दर्शाया जाता है वो प्रति 1,000 व्यक्ति पे पुरुषों की संख्या के बारे में, मतलब 1,000 जो व्यक्ति होते हैं उसमें महिला और पुरुषों की संख्या के बारे में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका सूत्र क्या है। PF/PM इंटू 1,000 या स्त्री जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ यहाँ पे फीमेल है, और बटा पॉपुलेशन ऑफ मेल इंटू 1,000। तो इस तरह से आप स्त्री किसी भी पर्टिकुलर एरिया की लिंगानुपात आप निकाल सकते हैं। इस समय हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो महिला लिंगानुपात आप देखेंगे तो केरल में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महिला पुरुष का लिंगानुपात है वो है हरियाणा, जहाँ पे लड़कियों की संख्या सबसे कम है, और केरल ऐसा प्रदेश है जहाँ पे लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही इसी आप दो प्रदेशों में आप देख लेंगे तो ये जो शिक्षा का स्तर, मतलब शिक्षा अज्ञानता जिसको हम कहेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो शिक्षा के मामले में कि आप अपना केरल प्रदेश सबसे आगे है। वहाँ पे शिक्षा लड़की लड़कों में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लिंगानुपात लगभग समान मिलेगा। लेकिन हरियाणा चूंकि एक पिछला इलाका हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है पुरुषों की अपेक्षा, 800 समथिंग है। चलिए देखते हैं लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लिंगानुपात विश्व वितरण प्रतिरूप यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्रफल क्षेत्रकाल संदर्भ में इसमें पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगत होती है। आधारभूत रूप में यह विभिन्नता तीन कारकों द्वारा घटित होती है, जन्म के समय लिंग अनुपात, पुरुष स्त्रियों के मृत्यु दर में भिन्नता, स्थानांतरण का प्रभाव। इन प्रमुख कारकों के अतिरिक्त युद्ध पुरुष और स्त्रियों के जीवन स्तर में अंतर तथा त्रुटिपूर्ण आंकड़ा संग्रह भी क्षेत्र विशेष के लिए संतुलन को प्रभावित करते हैं। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले तीनों प्रमुख कारकों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है जन्म दर और लिंगानुपात। मतलब जन्म दर के से हम कैसे लिंगानुपात देखते हैं। मानव समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जन्म को अधिक प्रधानता दी जाती है। देखिए वही बात कही जा रही है कि आज हमारा जो मानव समाज है, कहीं ना कहीं लोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष, यानी कि लड़कियों की अपेक्षा लड़का पैदा हो, इसको प्रधानता देते हैं लोग। समाज के अनेक उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि स्त्री जन्म दर की अपेक्षा पुरुष जन्म दर अधिक उच्च दर रही है। मतलब समाज के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जन्म दर अधिक रही है। कुछ विद्वान इसके लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानते हैं, तो कुछ विद्वान मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और अनुवांशिक कारणों को उत्तरदायी समझते हैं। इसका जो मेन कारण है, इसके लिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक कारण है और धार्मिक कारण और अनुवांशिक कारण के कारण लड़की की अपेक्षा लड़कों का जन्मदर अधिक है। जबकि यद्यपि अधिकांश समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता जन्म के साथ अधिक रहती है, यह बात प्रत्येक देश के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पे कुछ समाज ये कहता है कि जहाँ पे लड़कियों की
जन्म दर अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। जन्म पुरुष क्षति के निम्न या उच्च होने के अनुसार विभिन्न देशों में लिंगानुपात जन्म के समान निम्न या उच्च रहता है। मतलब जन्म के पूर्व क्षति के निम्न या उच्च होना, मतलब जन्म के पूर्व क्या जो भी घटनाएं होती हैं उसमें अच्छा या बुरा जो भी होना, इसमें लिंगानुपात जन्म के समय निम्न या उच्च होता रहता है। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात में असंतुलन के लिए अनेक कारक जैसे वंशानुक्रम, पिता की उम्र, सिगरेट पान, कहवा पान आदि भी उत्तरदायी माने गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी निर्मूल माना जा चुका है। ये सब तो आपके निर्मूल ही माने जाएंगे, क्योंकि वंशानुक्रम, पिता की उम्र, सिगरेट पान, कहवा पान, ये सब उत्तरदायी नहीं माने जा सकते हैं लिंगानुपात के लिए। लिंगानुपात में असंतुलन के लिए ये सब उत्तरदायी माने जा रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, स्त्री पुरुष मृत्यु दर में भिन्नता। विभिन्नता क्या है? जैविकीय दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में विभिन्न बीमारियों की प्रतिरोधी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो स्त्री और पुरुषों में विभिन्न बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। स्त्रियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। प्रायः सभी विकसित देशों में जहाँ जन्म दर मध्य से निम्न की ओर उन्मुख है, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं तथा लड़कियों की लड़कों के समान ही पालन पोषण करने के फलस्वरूप सभी आयु वर्गों में पुरुष मृत्यु दर अधिक है। देखिए जहाँ पे आप देखेंगे लड़कियों और लड़कों को समान पालन पोषण होते हुए भी इसके फलस्वरूप भी आयु वर्ग में, सेम आयु वर्ग में आप देखेंगे तो पुरुषों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस प्रकार जब स्त्रियों की अपेक्षा शिशु बालकों में उच्च दर रहती है तो लिंगानुपात 4 वर्ष तक संतुलित हो जाता है, तथा इसके बाद के आयु के वर्गों में बढ़ते हुए क्रमशः 95 वर्ष की आयु पर 1000 पुरुषों में 2000 स्त्रियों का अनुपात पहुंच जाता है। यहाँ पे कह रहा है बालकों में उच्च दर रहती है तो लिंगानुपात 4 वर्ष तक संतुलित हो जाता है। स्त्रियों की अपेक्षा शिशु बालकों में उच्च दर अधिक रहती है, उच्च दर रहती है तो लिंगानुपात 4 वर्ष तक संतुलित हो जाता है, तथा इसके बाद आयु के वर्गों में बढ़ते हुए क्रमशः 95 वर्ष की आयु पर 1000 पुरुषों पर 2000 स्त्रियों का अनुपात पहुंच जाता है। विकसित देशों में, मतलब इस तरह से 95 वर्ष का, जब एक पुरुष 95 वर्ष का होता है तो वहां पे 1000 पुरुषों पर केवल 2000 स्त्रियों का अनुपात पहुंच पाता है। मतलब विकसित देशों में इस प्रवृत्ति की अपेक्षा विकासशील और अल्प विकसित देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होती है। विकसित देशों में इस प्रवृत्ति की अपेक्षा विकासशील और अल्प विकसित देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होती है। ये कंडीशन आपकी किसी भी देश की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करती है, किस कहाँ पे पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है, कहाँ पे महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है। ये जो मृत्यु दर है ये आपकी निर्भर करती है किसी भी देश की भौगोलिक संरचना पर, वहाँ के अनुकूलन पर। इन देशों में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के निम्न स्तर तथा उनका स्त्रियों के प्रतिकूल होना स्त्री मृत्यु दर की अधिकता का कारण है। मतलब जहाँ पर स्त्रियों के लिए अनुकूलन नहीं है वहाँ पर स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक है। स्थानांतरण का प्रभाव, स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंग अनुपात को असंतुलित करता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि सामाजिक रीति, अर्थव्यवस्था आदि कारण स्थानांतरण में लिंगानुपात को निर्धारित करते हैं। क्योंकि सामाजिक रीति और अर्थव्यवस्था जो है वह स्थानांतरण के लिंगानुपात को निर्धारित करती है। विशेष रूप से उद्देश्य, दूरी तथा प्रेरणा भी लिंग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। पहले स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में स्थानांतरणशीलता अधिक थी, किंतु आधुनिक समय में यात व संचार के साधनों के विकास के कारण स्त्रियां भी स्थानांतरित होने लगी हैं। पहले के समय में यातायात की सुविधा नहीं थी तो स्त्रियां नहीं बल्कि पुरुष यातायात के लिए कहीं बाहर जाते थे, तो उस तरह से
जो उनका स्थानांतरण ज्यादा होता था, लेकिन आज जो है यातायात की सुविधा है इसलिए स्त्रियां भी बाहर जा रही हैं। किंतु आधुनिक समय में यातायात व संचार साधनों के विकास के कारण स्त्रियां भी स्थानांतरित होने लगी हैं। बहुसंख्यक विकसित राष्ट्रों में आंतरिक स्थानांतरण का लिंग संरचना पर अल्प प्रभाव दृष्टिगत होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है, विकसित देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ पे आंतरिक स्थानांतरण का लिंग संरचना पर अल्प प्रभाव दृष्टिगत होता, मतलब थोड़ा प्रभाव दृष्टिगत हो, क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष जीवन स्तर समान तथा समान रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण लिंग संतुलन बना रहता है। मतलब जहाँ पर बहुसंख्यक विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ उस राष्ट्र को चूंकि जो है आपके रोजगार के अवसर समान रहते हैं, मतलब रोजगार चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनके लिए रोजगार वही रोजगार है, तो इसकी वजह से वहाँ पर स्थानांतरण जो होता है समान होता है। तो समान स्थानांतरण होने से तो पुरुषों या स्त्रियों की जो अनुपात है स्थानांतरण का वो बराबर रहता है। इसके विपरीत जो विकासशील देश हैं और जो अविकसित देश हैं, वहाँ मानव जनसंख्या के स्थानांतरण में पुरुषों की ही प्रधानता रहती है। विकासशील देशों में हमने यहाँ पे पढ़ा, विकासशील जो देश थे वहाँ पे जो अवसर की समानता थी वो पुरुष और महिला दोनों के लिए समान थी, तो वहाँ पे स्थानांतरण का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, मतलब दोनों का संतुलन बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे विकासशील जो देश हैं या अविकसित जो देश हैं, वो वहाँ पे केवल पुरुषों की संख्या ज़्यादा जो स्थानांतरण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक असंतुलन पैदा हो जाता है। अंतरदेशीय स्थानांतरण के अंतर्गत नगरों में पुरुषों की प्रधानता और ग्रामीणों में अपेक्षाकृत स्त्रियों की संख्या अधिक होना सामान्य बात है। मतलब अंतरदेशीय, मतलब अपने देश के अंदर ही, जैसे लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसी नौकरी के लिए या किसी भी रोजगार के लिए जाते हैं, तो इस तरह से जो पुरुषों की संख्या नगरों में ज़्यादा हो जाती है और आपके ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो ये तो आपका एक सामान्य सी बात हो जाती है। इस प्रकार स्थानांतरण में रोजगार की प्रकृति व अवसर, दूरी, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था आदि तथा विभिन्न आयु वर्गों में लिंगानुपात को प्रभावित करता है। इस तरह से जो स्थानांतरण होता है वो रोजगार की वजह से, तो इस तरह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह रोजगार के लिए जाते हैं, तो वो रोजगार के लिए तो जाते हैं, लेकिन इस तरह से एक निश्चित आयु वर्ग में जो लिंगानुपात होता है वो प्रभावित होता है। रोजगार के लिए वही लोग जाते हैं जो 15 से 45 के बीच में होते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जेटिक पावर होती है, उनके पास ताकत होती है कि श्रम करने के लिए, तो वो जो एक निश्चित आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो घटता रहता है, मतलब असंतुलन उसमें आ जाता है। चलिए, इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात के उपरोक्त प्रभावी कारक एकांकी या स्वतंत्र रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं, अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी वितरण प्रकृति एवं प्रभावशीलता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो जो उनका वितरण है प्रकृति एवं प्रभावशीलता में पर्याप्त अंतर पाता, मतलब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या, मतलब एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं कहीं पे रोजगार की तलाश में, या किसी ने अपना वहाँ दूसरे देश में जाके रोजगार कर लिया, तो इस तरह से जो आपका संतुलन या असंतुलन देखने को मिलता है ये आपका लिंगानुपात में होता है। परिणामतः लिंगानुपात में अंतर्राष्ट्रीय विषमता दृष्टिगत होती है। अंतरदेशीय स्तर पर प्रायः आंतरिक स्थानांतरण का ही लिंगानुपात असंतुलन पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखिए, अंतरदेशीय मतलब होता है अपने ही देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। ग्रामीण नगरीय लिंग संरचना में उत्पन्न अंतर भी इसी का परिणाम है। मतलब ग्रामीण में और नगर में, मतलब गांव में और शहरों में जो लिंगानुपात असंतुलन होता है वो इसी का ही परिणाम है कि जो पुरुष होते हैं वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाते हैं, और इस तरह से जो महिलाएं होती हैं वो गांव में रहती हैं,
तो ये जो लिंगानुपात होता है किसी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, वो इससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।